नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा सौदा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावा का गुलाब जामुन। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसे बनाना घर पे बहुत ही आसान है। ये मार्केट से भी स्वादिष्ट बनता है, तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ मावा का गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने चैनल पे मिल्क पाउडर गुलाब जामुन, बिस्किट का गुलाब जामुन और आलू के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की है, तो आज हम मावा का गुलाब जामुन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कद्दूकस किया हुआ मावा लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट मावा है, ये मैंने घर पे बनाया है। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश पनीर है। तो इसका भाग मैंने मावा जितना लिया है उसका चौथा भाग लिया है। ये मैंने मैदा लिया है, ये भी मैंने मावा का चौथा भाग लिया है। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी के लिए चीनी लिया है और यहाँ पे पानी। तो चलिए हम मावा का गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। पे मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें हम मावा डालेंगे। अगर आपका मावा फ्रिज में है तो आप गुलाब जामुन बनाने के 1 घंटा पहले इसे फ्रिज से निकाल दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और हमें इसमें पनीर को भी ऐड कर देना है, तो हम पनीर को मैश करके इसमें मिला देंगे। अब हमें इन सब का एक सॉफ्ट डो बनाना है, इन सब को मिला के। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो ही डालें। देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया है, सॉफ्ट डो है बिल्कुल। तो हम एक बॉल बना के देख लेते हैं हमारा किस तरह का डो बना है। अगर इसमें कोई दरार नहीं है तो आपका डो अच्छा बना है, अगर दरार पड़ जा रहा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा और मैश कर लें। ये देखिए, इसमें कोई भी दरार नहीं है तो हमारा डो अच्छा बना है। अब हम गुलाब जामुन के लिए पहले हम चाशनी बना लेते हैं। पैन में चीनी ले लिया है, अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। इसे हम चला देते हैं और जो हमारे पास इलायची का पाउडर है उसे भी हम ऐड कर देंगे और हम इसका चाशनी बना लेते हैं। जब तक हमारा चाशनी बनता है तो हम तब तक मावा के गुलाब जामुन के लिए बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। हमें इस तरह से दबा दबा के इसका बॉल बनाना है और चाशनी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो जल ना जाए। देखिए, इस तरह से हमें सारे बॉल बना के तैयार कर लेने हैं। देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे और हम देख लेते हैं हमारा चाशनी भी बन के तैयार हो चुका है। चाशनी अच्छा गाढ़ा हो चुका है तो हम चेक कर लेंगे। देखिए, दोनों उंगलियों के बीच में चाशनी चिपकने लगा है, तो हमें ऐसा ही चाशनी चाहिए। अब हम गैस बंद करके इसे उतार लेंगे और गुलाब जामुन तलने के लिए तेल को हम चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है, हमें ज़्यादा हीट ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम हीट ऑयल चाहिए। तो हम एक गुलाब जामुन के बॉल डाल के देख लेते हैं कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। देखिए, हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो इसी फ्लेम पे हम सारे गुलाब जामुन के बॉल को फ्राई कर लेते हैं। हम सारा बॉल्स इसमें डाल देते हैं। अब गुलाब जामुन के बॉल को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से हिलाना है, इस तरह से। तो चलिए, हम इसे फ्राई होने देते हैं। अब देखिए, हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, हम एक छन्नी की मदद से इसे निकालेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। देखिए, हमारे गुलाब जामुन साइज में कितने बड़े हो गए हैं। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। मैंने यहाँ पे चाशनी ले लिया है, अब हम इसमें मावा के गुलाब जामुन के बॉल को डाल देंगे और इसे हम हिला देंगे। चाशनी हमारा थोड़ा गर्म होना चाहिए, इसे हम चला देते हैं और हम इसे कवर करके आधा घंटा इसी चाशनी में रहने देना है। तो हम इसे कवर कर देते हैं।
देखिए आधे घंटे के बाद मैंने गुलाब जामुन को निकाल लिया है। हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मावा का गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही डिलीशियस है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राधा स्वादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू।